मेरे पास आया हुआ है, देखिए लुमिनस इको बोल्ट का पीसीबी है, ठीक है, रिपेयर होने आया है आज। देखिए ये लुमिनस इको बोल्ट का है पीसीबी, देखिए तो इसका प्रॉब्लम देख लीजिए क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए मस्कट जल चुका है, इसका भी ये भी मस्कट जल चुका है। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये भी जल चुका है, देखिए 10 ओम्स का ये भी जल चुका है। तो हम लोग इसको रिपेयर करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या ख़राब निकलता है इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग मॉस्फेट खोल लेते हैं सेट पे। तो शायद एक दो साइड में खराब हुआ है आपका ड्रेन साइड में, एक ड्रेन है एक पॉजिटिव साइड है, ये ड्रेन वाला है। देखिए ड्रेन का दोनों नट यहीं पे लगता है और ये दोनों आपका पॉजिटिव साइड है। तो देखते हैं खोल लेते हैं, पहले खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इसका मॉस्फेट हम लोग खोल लेते हैं, इसका चारों मॉस्फेट खोल लेते हैं। तो चलो मैं फिर खोल चुका हूँ, देखिए इसका रेजिस्टेंस भी बदलना पड़ेगा। पहले हम इस सेट का देख लेते हैं मॉस्फेट ठीक है कि नहीं, रीडिंग चेक करने से आपको पता चल जाएगा। देखिए 496 चलो फिर देखिए इस तरफ की मॉस्फेट भी खराब हो चुका है। देखिए गलत रीडिंग दिखा रहा है, तो इसको मॉस्फेट पूरा बदल लेते हैं आपका नया। तो देखिए इसमें क्या क्या खराब निकला है, देखिए हम लोग आपको दिखाते हैं क्या क्या खराब निकला है इसमें। सबसे पहले देखिए ये आपका ये चारों मॉस्फेट खराब था, ठीक है, ये आपका दोनों साइड एक ड्रेन का और एक पॉजिटिव का ये दोनों साइड मॉस्फेट सही था, ये चारों मॉस्फेट खराब था इस साइड का आपका ये दो या चार। और इसमें आपका ये देखिए 10 ओम्स का लगा हुआ है रेजिस्टेंस, 10 ओम्स देखिए 100 10 ओम्स ये सही था, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो 18 वोल्ट यहाँ याद कीजिएगा, ये यहाँ पे 18 वोल्ट का जनरेटर रहता है, 18 वोल्ट का जनरेटर रहता है यहाँ पे, तो जो है ना ये 18 वोल्ट का जनरेटर ZD1 लिखा जो लिखा है ना इसमें 18 वोल्ट का जनरेटर रहेगा, ये भी खराब था। और यहाँ पे देखिए ये भी खराब था, ये 18 वोल्ट का जनरेटर है सेम ZD4 ये जनरेटर भी खराब था और ये आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस भी खराब था। तो इस तरफ ये खराब था और आपका इस तरफ देखिए यहाँ सब सही था, कुछ खराब नहीं हुआ, ये जनरेटर भी सही है ये भी सही है। यहाँ पे देखिए R68 लोकेशन है, देखिए R68 ये वाला, हाँ R68 इसमें 2.2 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, देखिए देखिए ये देखिए 2R2 ये रेजिस्टेंस भी खराब था इसका, ठीक है। ये साइड और ये साइड मॉस्फेट सही था, हम खोल के चेक किया है ओके था, ये दो साइड ही खराब था आपका, ये दो साइड ही खराब था। तो अभी ये प्रो ओके हो चुका है, देखिए रीडिंग भी आपको देख लीजिए कितना क्या आ रहा है इस साइड में, ठीक है। तो आपका ये होगा आपका ये दोनों पॉजिटिव साइड होगा, ये ड्रेन साइड होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड में पहले रीडिंग देख लीजिए कितना आना चाहिए, ये देखिए एक तरफ आ रहा है आपका 454 और इस तरफ देख लीजिए 1000 का ऊपर आना चाहिए, इस तरफ भी देख लीजिए, देखिए 1000 से ऊपर है 1200 के करीबन, और इस तरफ 443 इस तरफ भी देख लीजिए अच्छा करके, देखिए 1000 से ऊपर ही है 1200, हाँ देखिए 1200 से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव में सही है रीडिंग। अब ये ड्रेन साइड मतलब नेगेटिव साइड ये साइड देख लीजिए आप लोग कितना आता है इस साइड में, ये देखिए 163, ठीक है। और इस साइड में होगा आपका देखिए 1325 करीबन आ रहा है, इस साइड भी आपका सेम आना चाहिए, देखिएगा इस साइड कितना देखते हैं 1300
तेईस करीबन ठीक ही है। रिजल्ट देख लीजिए 165, मतलब ये रीडिंग पूरा अभी ओके हो चुका है। सप्लाई पहले लगा लेते हैं, ये आपका हो चुका है पॉजिटिव, ठीक पॉजिटिव। देखिए इसका यह होगा नेगेटिव, और देखिए यहाँ पे जो है ना आपका, देखिए यहाँ पे और ये पॉजिटिव, देखिए ये दोनों, ये बैटरी का पॉजिटिव से लगाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव सेट ही होगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका नेगेटिव, देखिए कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एसी देख लेते हैं कितना पल्स आ रहा है इसमें, क्योंकि डीसी आप चेक कर नहीं पाएंगे, रीडिंग डीसी आपका गेट आके चला जाएगा, तो एसी चेक करने से आपका बेटर है, ठीक है। तो देखिए अभी ऑन करते हैं हम इसको, इसमें 12 वोल्ट स्विच लिखा हुआ है, इसको ऑन कीजिएगा, देखिए ऑन किया, देखिए गेट आ चुका, आके गिर गया, एसी 1 बल्ब करीबन आया, देखिए 1 बल्ब करीबन आके चला गया, तो मतलब ये ओके हो चुका है अभी पूरा। नेगेटिव साइड में भी देख लीजिएगा, अगर होगा तो हम दिखा रहे हैं आपको, जल्दी आपका गिर के आ जाएगा। देखिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव, और ये वाला हो गया आपका स्विच पहला, ठीक है। तो हम इसका गेट पहले चेक करा देते हैं, देखिए ठीक है, कितना 7 बोल्ट, इस तरफ भी 7 बोल्ट आया। ऑन करते हैं हम, 7 बोल्ट, ठीक है, ऑन करते ही 8 बोल्ट करीबन हो रहा है, ठीक है। और इस तरफ भी देख लीजिए सेम ही होगा, दोनों 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 तरफ साथ साथ ऑन करती है, उसको 8 बोल्ट होना चाहिए, ये देखिए 7, 8, 8, 9 8 बोल्ट हो चुका है, ठीक है। और इस तरफ देख लेते हैं, देखिए ये आपका नेगेटिव साइड, ठीक है, इसमें देख लेते हैं आपका कितना गेट आ रहा है, देखिए आके चला जाएगा इसमें, ये देखिए आके चला गया, ये देखिए 2 वोल्ट आके चला गया, ठीक है। इस तरफ भी देख लेते हैं हम, ये देखिए 2 वोल्ट आके चला गया, मतलब आपका गेट ओके हो चुका है इसमें, तो ये भी ओके हो चुका है, ठीक है, पूरा ओके है अभी।